हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम WHMCS को इंस्टॉल करना सीखेंगे, यानी कि आज हम एक वेब होस्टिंग साइट बनाना सीखेंगे। अगर आपको भी अपना खुद का एक वेब होस्टिंग साइट बनाना है तो इस वीडियो का पूरा ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि कैसे आप WHMCS सॉफ्टवेयर को अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका जो लाइसेंस है उसको परचेस करना है। तो आप प्राइजिंग पे आओगे, तो प्राइसिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको तीनों प्लान मिल जाएगा, एक है प्लस, दूसरा है प्रोफेशनल और तीसरा है बिजनेस। तो यहाँ पर अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस प्लान को आप परचेस कर सकते हो। आपको मंथली $40 यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अनलिमिटेड क्लाइंट्स आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, कस्टमाइजेबल और नो ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद होस्ट ऑन योर ओन सर्वर, आप अपने खुद के सर्वर पर ये जो सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप जस्ट प्रोफेशनल बनाना चाहते हो यूज़ करने के लिए तो आप इसके जा सकते हो। यहाँ पर आपको अप टू 1000 यहाँ पर आपको क्लाइंट मैनेज करने का मौका मिलेगा। और ये देख सकते हो यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है पॉपुलर का, तो ज़्यादातर लोग इसको ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए बिजनेस प्लान को। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस परचेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको होस्टिंग खरीदना है। तो होस्टिंग आप खरीद सकते हो, ये जो साइट है रिसेलर क्लब, इससे आप होस्टिंग खरीद सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको रिसेलर होस्टिंग खरीदना है, क्योंकि आप अगर VPS और डेडिकेटेड सर्वर खरीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्राइजेस देना पड़ सकता है। और इसका जो रिसेलर होस्टिंग है यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ओपन करके रखा है लिनक्स रिसेलर होस्टिंग, बहुत ही कम बजट में आपको यहाँ पर आपको अच्छा होस्टिंग मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अनलिमिटेड प्लान है, प्रो प्लान है, एडवांस प्लान है और स्टार्टर है, एसेंशियल प्लान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चॉइस यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा अनलिमिटेड वाला लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड प्लान ले सकते हो। इसका जो प्राइसेस है वो आपको 3000 रुपये पर मंथ पे आपको मिल जाएगा, 3300 रुपये में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 200 GB आपको SSD स्टोरेज मिल जाएगा, 4000 GB आपको यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र मतलब ब्रांडवेड मिल जाएगा, फ्री WHMCS यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको इस साइट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से ही मिल जाएगा WHMCS। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है फ्री WHMCS, तो यहाँ से ही आप ले सकते हो। अनलिमिटेड आप मेल होस्ट कर सकते हो, 300 से ज़्यादा आप cPanel अकाउंट यहाँ पर बना सकते हो। तो आप होस्टिंग खरीदने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं चला जाता हूँ मेरे cPanel पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे कंट्रोल पैनल पे, और मैं जो है इस डोमेन पे स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ, free2all.xyz। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये जो साइट है अभी तक ब्लैंक है, कुछ भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो इस साइट के अंदर तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट को अपलोड करके रखा है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसका जो MB 50 MB से ज़्यादा है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट जो है पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा WHMCS करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद इसके अंदर जितने भी फाइल्स है उसको आपको अपने होम डिक्शनरी पे जो है मूव कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सब फाइल को, यहाँ पर मूव पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको HTDoc इस फोल्डर के अंदर आपको मूव कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर आपका काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है और स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेना है। तो थोड़ा यहाँ पर वेट कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी फाइल्स है वो सब रूट डायरेक्टरी में मूव हो चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, आपके डोमेन के अंदर जाना है। तो अब आपको क्या करना है, अपने साइट पे जाना है। जाने के बाद इसको आपको रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है।
तो गाइस रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू WHMCS, कुछ इस तरीके का पेज मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू बिगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है सब कुछ यहाँ पर टिक है या नहीं। अगर किसी पे भी एरर आता है तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बिगन इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो आपका जो डेटाबेस डिटेल्स है वो मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको दे देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। तो मैं फिर से चला जाता हूँ मेरे कंट्रोल पैनल पर। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड डेटाबेस पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर डेटाबेस नेम डाल देता हूँ WHMCS, और यहाँ पर रिलेटेड साइट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर डेटाबेस यूज़र यहाँ पर मैं WHMCS रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ। करने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कहा गया ये रहा, पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपके साइट के अंदर जाना है। तो साइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले पासवर्ड पेस्ट कर देना है, क्योंकि कॉपी करके रखा था। तो आप यहाँ पर डेटाबेस यूजर नेम जो था हमारा था माई डोमेन, उसके बाद WHMCS, उसके बाद डेटाबेस नेम माई डोमेन, उसके बाद WHMCS। करने के बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस की, जब आप स्क्रिप्ट को परचेस करोगे आपको एक लाइसेंस की मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं लाइसेंस की को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो लाइसेंस की डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलेशन डेटाबेस प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एडमिन सेटअप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा नेम सुदीप, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है, ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर एडमिन रख देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड नहीं दिखा सकता, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल के आपको नेक्स्ट सेटअप बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डाल चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोन जॉब का। तो यहाँ पर मैं cPanel को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसको मतलब सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्लासक पैनल को यूज़ कर रहा हूँ, और प्लासक पैनल पे मुझे क्रोन जॉब का ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आपके पास ये ऑप्शन है क्रोन जॉब का, तो इसको आप सेटअप कर सकते हो। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो सेटअप है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, मतलब मेरा जो सेटअप है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, गो टू एडमिन एरिया, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको एक एरर मैसेज शो होगा, देख सकते हो सिक्योरिटी वार्निंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इंस्टॉलेशन का फोल्डर है उसको आपको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे। तो गाइस यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको जाना है नीचे। जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का एक फोल्डर मिल जाएगा, इसको आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो इंस्टॉलेशन का जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने साइट पे जाना है। तो अगर साइट पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिल जाएगा। तो साइट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं किया है। तो अगर आपको टेम्पलेट वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं बना दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट जो साइट है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आपको कंपनी नेम जो है डाल देना है, उसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पर एडिट कर सकते हो अपने
एडमिन पैनल पे, तो मैं एडमिन पैनल पे जाके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो भी लॉगिन डिटेल्स है वो आपको डाल देना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन। और यहाँ पर रिमेंबर मी पे क्लिक करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद कुछ सेटअप है यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले कंपनी नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे कि फ्री टू ऑल, तो ये है कंपनी नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप यहाँ पर लोगो डाल सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए, तो मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। तो इंडिया देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज इंग्लिश पे ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। कर देने के बाद यहाँ पर आपको पेपाल का जो है ईमेल एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको पेपाल का ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं। डाल देने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप डोमेन सेल करना चाहते हो तो इस पर आप टिक रहने दे सकते हो। अगर आप डोमेन सेल नहीं करना चाहते हो तो इसको आप अनटिक कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हो। यहाँ पर आप फ्री नो सॉरी ईनोम का आप रिसेलर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सी पैनल का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो ये इसका जो वीडियो है मैं अलग से बनाऊंगा, तो अभी मैं इसको करता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद ये जो है मार्केट कनेक्ट, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिनिश पे क्लिक करके आप अपनी जो साइट को है पूरा यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये था इंस्टॉलेशन प्रोसेस WHMCS का।